110 120 फल होते थे। बाद में बीमार हुआ है, उसके बाद इसकी हमने फिर से जो है ना तो ट्रीटमेंट करवाई है, उसके बाद इसके जो फल हैं वो थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ देखूँ। तो बेसिकली पाकिस्तान में कटहल का एक वाहिद ऐसा दरख्त है जो कटहल का है, ठीक है। और आई डोंट नो अभी मज़ीद कोई दरख्त लगे हैं पाकिस्तान में या नहीं, लेकिन ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ओनली कटहल का दरख्त है जो कि जैक फ्रूट है बांग्लादेश में, ठीक है, और बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है। और यहाँ पे जो फ्रूट्स लगते हैं ना वो सिर्फ सरकारी जो अफसर है ना वो खा सकते हैं। और ये चीज़ देख के ना मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई यार, एक ही है बस। और मुझे पता नहीं था कि यार इसका कटहल का कोई फ्रूट है, लेकिन जब मैंने देखा तो आई थॉट कि यार आप लोगों से ये वीडियो देखते हैं पूरी की पूरी, और लेट्स सी क्या मज़ीद इंफॉर्मेशन है इसको लेके, क्योंकि कटहल जो फ्रूट है वो पाकिस्तान में यार बहुत नायाब है और यहाँ पर बहुत कम कम दिखाई देता है। ये फ्रूट जो है ओनली जो है ना कराची में आपको कुछ जगहों पर नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बांग्लादेश की डायरेक्ट जो आती हैं शिपमेंट्स आती हैं, तो वो लोग जो है ना वहाँ पे रख के उसको सेल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, और इसलिए अदर सिटीज़ में ये फ्रूट नज़र नहीं आता, मैंने भी कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये वीडियो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट की, ये रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो वीडियो देखने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें, आई एम श्योर ये वीडियो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। पहले इस दरख्त के 110 120 फल होते थे, बाद में बीमार हुआ है, उसके बाद इसकी हमने फिर से जो है ना तो ट्रीटमेंट करवाई है, उसके बाद इसके जो फल हैं वो थोड़े से कम होके तकरीबन 80 तक आ गए हैं। इस दरख्त पे जो फल लगते हैं उसके ऊपर बकायदा सिक्योरिटी नंबर लगता है, उसके लिए अलग से एक सिपाही, दो सिपाही और एक हवालदार वो इसकी रखवाली करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान पराचा। आज हम मौजूद हैं कुहाट कस्टम ऑफिस में। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसे फल के बारे में और एक ऐसे नायाब दरख्त के बारे में बताऊंगा जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ही लगाया गया था। यहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे ईआर गुडविन, उन्होंने लाया था अपने साथ और इसको लगाया था। इसका जो फल है उसे कटहल कहते हैं, और वो नायाब फल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही दरख्त है जो कुहाट में पाया जाता है। इस फल के बारे में और इस दरख्त के बारे में हम और जानते हैं, यहाँ का जो कस्टम स्टाफ है उसके बारे में बेहतर बता सकेगा। पर इस प्लांट की सिक्योरिटी वगैरह की अरेंजमेंट्स भी करते हैं, और इसको बकायदा मतलब कि इसकी जो खाद वगैरह है वो भी इसको डाला जाता है ताकि इसकी नश्तोदमा हो। तो इसमें तकरीबन 40 से लेकर 60 तक जो हैं नंबर ऑफ जो फल हैं वो इस पे लगते हैं, जो सितंबर में तकरीबन ये जो है इसके फल जो पक जाता है। फिर हम FBR के ऑफिसर्स हो गए या लोकल गवर्नमेंट में जो हैं RPOs वगैरह रीजनल ऑफिसर्स वगैरह, उनको बतौर तोहफा इसको भेजा जाता है, और दूर दराज तक पाकिस्तान में जहाँ तक ऑफिसर हम कर सकते हैं इसको अरेंज तो करते हैं, भिजवाते हैं। बिल्कुल ये वाहिद दरख्त है, बल्कि 2001 में इसकी एक शाख हमारे एक माली बाबा होते थे उन्होंने लगाई थी, और इसी से कुछ मट्टी अंदर से लेकर, चूँकि ये मट्टी भी गुडविन साहब उधर जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फर्स्ट असिस्टेंट कलेक्टर को हार्ट थे वो लाए थे बंगाल से, तो वो मट्टी से कुछ मट्टी उस बाबा ने लेकर और उसी मट्टी में एक दूसरा इसका शाख लगाई थी 2001 में, तो वो भी माशाल्लाह तैयार है, वो भी फल देता है। पहले इस दरख्त के 110-120 फल होते थे जो बाद में बीमार हुआ है, उसके बाद इसकी हमने फिर से जो है ना तो ट्रीटमेंट करवाई है, इसका कुछ हिस्सा काटना पड़ा था हमें, उसके बाद इसके जो फल हैं वो थोड़े से कम होके तकरीबन 80 तक आ गए हैं। उसके बाद अभी इसकी हमने एक और शाख लगाई है अंदर रेजिडेंस की तरफ,
तो उसके भी 10 से 12 दाने या 16 दाने 20 दाने होते हैं हर साल, लेकिन वो इसके मुकाबले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं क्योंकि ये दरख्त काफ़ी टाइम से है, 1947 से लेके अभी तक ये लगा हुआ है और इसके फल और उसके फल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इस दरख्त पे जो फल लगते हैं उसके ऊपर बाकायदा सिक्योरिटी नंबर लगता है, उसके लिए अलग से एक सिपाही, दो सिपाही और एक हवालदार रिपीट होता है, हर महीने वो इसकी रखवाली करते हैं। उसके बाद जो है ना, तो इसको अपने नंबर के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद पेशावर कराची जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऑफिसर्स हैं उनके लिए बतौर तोहफा इसको भेज दिया जाता है। जी नजरीन, तो जैसा कि आज आप लोग ने हमारा आज का प्रोग्राम देखा कि यहाँ का जो फल था उसे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फल है और इस पर तकरीबन 60 से 70 दाने फ्रूट लगता है पूरे साल में और इसको फिर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनको पेश किया जाता है बतौर तोहफा। हमारे साथ ही रहिए, हम फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए। आप लोगों ने देखी है, मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी है ना, और सारे से मज़े की बात ये है कि ये जो ट्री है ना ये बांग्लादेश से ही लेके आया गया था, ठीक है, और साथ से जो है ना मिट्टी इन्होंने कहा कि ला के फिर उसको यहाँ पर लगाया गया था बंगाल की मिट्टी में, ठीक है, और फिर अब जो है इतना बड़ा हो गया हुआ है ये, और ये इसका जो फ्रूट है वो ब्यूरोक्रेट्स जो भरे भरे अफसरान होते हैं उनको, ठीक है, ऐसे गिफ्ट भेजा जाता है। और ये एक ही ट्री है, वेल आई डोंट नो मच के कितने ट्रीज हैं अभी तो, क्योंकि ये फ्रूट काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कराची में, तो इसका जो बीज है उस को ले के आई थिंक इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि शॉक लगाई, आई डोंट नो शॉक से ये कल्टीवेट होता है, बीज से भी कल्टीवेट हो सकता होगा, तो आप लोगों ने बताना है कैसे कल्टीवेट होता है, फिर मैं भी इसको लगा लूँगी, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगा यार, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने कहा कि उसको भी ना जो दो गार्ड हैं वो रखे होते हैं और एक हवलदार, मतलब तीन लोग इसकी हिफाजत में मामूर होते हैं और बैठ के हिफाजत करते रहते हैं कि कोई इसका जो है ना फल उतार के ना खा ले, और फिर जब उस पक जाते हैं फल तो वो फिर उठा के जो है ना सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको भेजा जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और ये काफ़ी पुराना दरख्त है, इतने साल पुराना, लाइक 1947 का लगा हुआ, इट्स टू ओल्ड यार, बहुत अच्छा लगा देख के। और स्पेशली क्योंकि ये बांग्लादेश का फ्रूट है इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं ये वीडियो देखूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों का क्या कहना है। और मैंने ना कटहल के बारे में जो भी सुना ना, लाइक के जितने लोगों ने भी इसको खाया वो कहते हैं ये यार बहुत मज़े का होता है, इट्स वेरी डिलीशियस और स्वीट होता है, टू मच स्वीट, और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है और बड़े मज़े का होता है। आई विश कि मैं भी कभी ट्राई करूं, और अभी मैंने ऑनलाइन कह रही थी कि मैं देखूंगी, मुझे ना याद ही नहीं रहा, मैंने ऑनलाइन देखना था कि कहाँ से मिलेगा ना, ठीक है, ऑनलाइन जाके ना वेबसाइट पे जाके इसको ढूंढती हूँ, हो सकता है कि नज़र आ जाए तो फिर मैं अपने लिए ऑर्डर करूँगी, ठीक है। आप लोगों का क्या कहना इसके बारे में, आप लोग लाजमी बताना है कॉमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या मज़े की चीज़ लगी आप लोगों ने लाजमी बताना, ठीक है। वीडियो को लाजमी थम्स अप देने है यार, लाइक का बटन है लाजमी, उसे लाइक कर दें, और वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ये वीडियो जो है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता चले पाकिस्तान में कटहल की कितनी ज़्यादा हिफाजत की जाती है, एक ऐसा फ्रूट जो कि बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है वो कितना प्रेशियस है पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों को कितना पसंद है यार। तो लाजमी शेयर करनी है वीडियो, दिल खोल के अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है उसे भी जाके फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।